चेयरमैन परवीन आबादी मुर्दाबाद, चेयरमैन परवीन आबादी मुर्दाबाद, चेयरमैन परवीन आबादी मुर्दाबाद। ये जी सारा का सारा इनका काम है जी, ये चाहो तो जी सारा काम ठीक हो सके। गग्गे खिलान का मतलब है जी, और कोई मतलब नहीं पब्लिक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम नगर परिषद में चल रहे हैं, नगर परिषद में नगर पार्षदों की मीटिंग चल रही है, लेकिन आज 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पत्रकारों पर इमरजेंसी लगा दी गई है, आपको दिखाने में पत्रकार इस समय यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मीटिंग के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कुछ कमियाँ कहीं उजागर ना हो जाए, पत्रकारों के समक्ष उजागर ना हो जाए। ये पूरी तस्वीर दिखा रही है इस समय, ये का माहौल दिखा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर की आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आ रही। जनता ने इनको नुमाइंदे चुनकर भेजा है, किस लिए भेजा है, और मीडिया का काम क्या होता है कि इनके अंदर की बात को, उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया जाए, लेकिन साफ सुन चुका है इस समय हालत यह है। 1.5 घंटा हो लिया, मीटिंग शुरू भी होती है और शांत भी हो जाती है, और ये साथी पत्रकार यहाँ खड़े हैं, बैठे भी है, लेकिन दिखा रहे हैं आपको तस्वीर नगर परिषद की। पहले जब भी मीटिंग होती होया करती, चाहे वो रिंकू सैनी चेयरमैन और निर्मला सैनी चेयरमैन थी, चाहे रीटा शर्मा चेयरमैन थी या पिंकी गाबा चेयरमैन थी, उस दौरान भी अक्सर पत्रकार अंदर होते थे और पूरी कवरेज करते थे। जब से नगर परिषद का चेयरमैन परवीन अलावदी को बनाया गया है, उसके बाद दूसरी मीटिंग देखने को मिल रही है, पत्रकारों की नो एंट्री कर दी गई है। ये साफ तौर पर जब सेक्रेटरी साहब ने भी एक तौर पर कहा कि प्रधान का आदेश है, आखिर ये क्यों आदेश है, पहले आदेश क्यों नहीं होता था, लेकिन इस समय यह काम माहौल हुआ, क्यों इमरजेंसी लगाई गई है, क्यों ना जनता तक इनके बाद पहुंचे, यानी कि इनकी जो भीतर चल रहा है वो बाहर ना सके। बड़े बड़े बोलते थे हमसे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंदर समोसे खा रहे हैं, उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे, चाय पी रहे हैं, एक साथ बिल्कुल आराम से बैठे हैं। बंसल साहब नमस्कार, बंसल साहब ये क्या हो रहा है? सर मुझे तो 20-25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, ये 30-35 साल के इतिहास में जब भी नगर परिषद या नगर पालिका जब हुआ करती थी और जब भी हाउस की मीटिंग हुआ करती थी, पत्रकारों पे कभी बैन नहीं लगा, इस तरह से तो कभी रोक नहीं लगी। अगर रोक लगानी ही थी तो इन्हें हमें पहले इंटीमेट करना चाहिए था कि भी आज हमारी हाउस की मीटिंग है, और पहले दिन प्रेस में रिलीज करवाते हैं और फिर हाउस की मीटिंग करवाते हैं, अंदर क्या हो रहा हमें भी नहीं मालूम। ललित जी आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सीजन एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार है, पेपर मीडिया में भी लिखते हैं, कभी ऐसा आपने भी नहीं देखा होगा? हमने तो देखा नहीं, देखा क्या कभी ना? और जब पत्रकार अंदर जाता है ना, मीडिया वाला अंदर जाता है, तो उनको देख के ये और ज़्यादा यानी कि लाउडली बोलते हैं, इनको खुशी होती है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज जाए। लेकिन इस बार ये क्या, ये सीक्रेट मीटिंग है क्या, ये गुप्त मीटिंग है? जब हम एक बारी गए इनका पता करने के लिए, जब चेयरमैन साहब से बात हुई परवीन इलाहाबादी जी से, उनका कहना था कि मैं बाहर आके बताऊँगा कि आप लोगों को क्यों रोका गया। हमें क्यों बताया मित्र, क्या हुआ है? तो एक पत्र है, एक जो था वहाँ पर पार्षद, तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, पत्रकार आके यहाँ सारे बैठ जाते हैं और हमारे हम खड़े रहते हैं, एक का ये प्ली थी। दूसरे का ये कहना था कि भी पत्रकारों के होते हुए हमारी महिला पार्षद जो हैं वो अपने व्यूज़ नहीं दे पाती हैं। महिला पार्षद तो बड़ी खुल के बोलती हैं, वीमन एम्पावरमेंट का ज़माना है, महिला सशक्तिकरण का ज़माना है। आपने ललित जी कभी भी, आप अगर आप तो अक्सर जाते रहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को बहुत कवर किया है और संसद में भी जाते हैं और इसमें यहाँ विधानसभा में भी आप जाते हैं, और वहाँ दर्शक दीर्घा होती है और एक पत्रकार दीर्घा होती है, वहाँ भी पत्रकार बैठते हैं, इस तरह से कभी उनको डिस्कार्ड नहीं किया जाता, बाहर नहीं किया जाता। और यहाँ एक परिपाटी, एक रवायत है, जब भी नगर परिषद की हाउस की मीटिंग होती है, पत्रकारों को बड़े बाइज्जत और सम्मान के साथ अंदर बिठाया जाता है, लेकिन इस बार देख रहा हूँ कि हम सब बाहर बैठे हैं और बाहर कर दिए गए हैं। जब राजा राम जो सेक्रेटरी है यहाँ के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बाहर आप समोसे खाइए। हम क्यों खाएं समोसे खाइए, आप अंदर बैठ के और अपना एजेंडा पास कीजिए। जब अंदर गए थे मीडिया कर्मी, कुछ अंदर बढ़ गए थे, उस समय हमसे कहीं चाय समोसे खा रहे थे?
नहीं उनके लिए आए थे, वो ट्रे भर भर के आई थी, पता नहीं क्या था उनमें भी। मैंने समोसा देखा, बिना सीजन का गाजर पाक देखा या पेड़ा देखा, मैंने तो नहीं नजर आए, लेकिन सामान कुछ आया था उनके खाने पीने के लिए। खाते पीते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना तो इनका काम है साहब, खाते पीते तो रहते हैं ये, है क्या खाएं क्या पिए क्या, लेकिन जो भी खाएं वो मीडिया के सामने तो खाएं, कम से कम भी हम ये खा रहे हैं, लेकिन मीडिया को उजागर नहीं कर रहे हैं। वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की या सदियों ने सजा पाई। अगर आज ये पत्रकारों को रोक रहे हैं या नगर परिषद में, और कल हम आने से मना भी कर सकते हैं कि आप बुलाइएगा, हम इनको चलाने से भी मना कर सकते हैं, क्यों? बहुत बढ़िया बात की आपकी, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। हम क्या ले रहे हैं, हम अच्छा काम करते हैं तो इनको दिखाते हैं, और जब ये आपस में लठ बजाते हैं कि ये बुरा काम है, वो भी हम दिखाते हैं कि कमेटी के अंदर हो रहा है, और कमेटी के अंदर क्या हो रहा है, ललित जी आप अक्सर अपने मीडिया के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि यहाँ क्लाइंट आता है, यहाँ जनता जनार्दन आती है अपने फैमिली आईडी के लिए, हाउस टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। हम आवाज़ रेज करते हैं, हम उनके काम करवाने का प्रयास करते हैं, और ये बंद कमरे के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी बना के बैठ के, जिसमें 30 पार्षद आए और पत्रकारों के कहें कि पत्रकारों के बैठने के लिए जगह नहीं है, पत्रकार आते हैं कि हमारी जगह रोक लेते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पत्रकार आखिर बंदर साहब, अब बाहर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हमने ये बात उठाई, हमने वो बात उठाई, अब हमने जो बात करी है उसके जवाब तो नहीं। सर आप बड़े वादों की पोल खोल दीजिए, वायदे आज तक किसी पूरे हुए हैं क्या भारत में? जब जब चुनाव नजदीक आता है बड़े बड़े वायदे तो आते हैं, लेकिन आज तक वायदे पूरे हुए नहीं है। जनता जनार्दन ने तो ऐसे ही पीसना है, ये अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ये अपने वायदे लेके आते हैं, लेकिन जनता जनार्दन बेचारी है। जनता क्या रहे, भीतर क्या रहे, कोई आवाज आ रही है, भीतर की आवाज आ रही है? एक बार खुसर फुसर की आवाज आई थी, वो नकली सी लग रही थी कि भी आपस में थोड़ा सा इनमें डिस्कशन हो रहा है। हाँ क्या समस्या है? ये समस्या ये ऑनलाइन कर दिया, हाँ। पहले हमारा नाम है इसके अंदर, हाँ। अब नाम नहीं है, बोला जी जाओ धक्के खाओ, क्या मतलब हुआ? येरी कितनी एक एक प्रॉपर्टी है ना जी, पांच पांच आदमियों का नाम, पांच पांच आदमियों नाम चढ़ा रखी है, छह महीने हो गए मैंने चक्कर काटते ने। पहले क्या था, पहले था नो नेम, पहले ये प्रॉपर्टी है नो नेम, मैंने इनको पूरे पेपर दे दिए, मेरा नाम आ गया, ठीक है जी। उसके बाद में इनका जो चार्ज था हमने चार्ज भर दिया, ये बोले आपका वो एनडीसी हमारे से गुम होगी, ये बोले जी आपका मोबाइल नंबर अपडेट करा दो, वो मोबाइल नंबर अपडेट करा दिया। जैसे मोबाइल नंबर अपडेट हुआ ना, प्रॉपर्टी किसे की, दुकान किसे की? चेयरमैन साहब देख लो, ये बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, हम मुख्य पे आवाज दिखा रहे हैं ना, जितने भी चैनल है ना, जितने भी चैनल पे इनकी वो आती है ना पत्रकार, मैं तो सबके नीचे लिखता हूँ मैं। आप तो जी सारी हंसी ने बेच की खा गए, ईमानदार आदमी बनाया था हमने, ऐसा भ्रष्ट आदमी नहीं बनाया था। और इनका बूथ पे जितनी मेहनत हमने करा की है ना जी, किसी बूथ पे इनकी मेहनत को नहीं हुई जितनी। और कई बार मैं इनको आगे कह के गया हूँ, मैं बोला जी जिस दिन हम बोलेंगे ना जी, उस दिन आपकी कुर्सी पर उठावेंगे अपने, ठीक है। हम बहुत परेशान है जी, सारी पब्लिक परेशान है, 70 साल का बुजुर्ग है जी, एक यहाँ चक्कर काटे जी, एक आज हाँ एक और बुजुर्ग, वो पहले मैंने टैक्स भरा है और दोबारा टैक्स मांग रहे हैं मेरे से, किस बात मांग रहे हैं, मैं क्यों भरूं टैक्स, इस बात है ये मेरे में रसीद है उसकी बकायदा। 98,000 रुपये भर दिए इन हमारे को, एनडीसी दे दी, असेसमेंट दे दी, दो दिन के बाद में हमारी गुम होगी, बोला जी वो पैसे भरे थे उसकी रसीद लाओ। मैं बोला जी आपने दी नहीं, बिला अच्छा दी नहीं, बिला इसमें एक काम करो नंबर अपडेट करवा लो। ये नगर परिषद के चेयरमैन परवीन इलाहाबादी अगर ये वीडियो को देख रहे तो देख ले, ये लोग बोल रहे हैं आपको वोट दिए थे, आपका बूथ संभाला था और आपके पर्ची धोने का काम किया था, लेकिन इनका गुस्सा फूटा है आपके ऊपर, आप मीडिया को इमरजेंसी लगाते हैं, लेकिन इनकी आवाज को कौन रोक सकता है? हमारा प्रॉपर्टी का काम है, लेने वाला और बेचने वाला जी दोनों हमारे को जानते हैं। मैं तो एक चीज कहता हूँ जी आपके माध्यम से, कल को कोई भी डीलर अगर जो फांसी खा के मर गया नहीं, जिसने सुसाइड कर लिया, उसका जिम्मेवारी परवीन इलाहाबादी होगा जी, हाँ ये होंगे जी सारे जिम्मेवार। नाम क्या? मेरा शौकीन नाम है जी, शौकीन तो नाम है।